नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। रीवा लोकायुक्त ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ एक सरपंच, महिला सरपंच के घर से 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई है। हालांकि अभी लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। सबसे खास बात, वो महिला सरपंच के घर से माउंट चेन मशीन, तमाम तरीके की लग्जरी गाड़ी, 1 एकड़ से ज्यादा फैले बंगले में स्विमिंग पूल भी है। आप सोचिए, एक महिला सरपंच के घर से इतनी ज्यादा संपत्ति अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करती है। रीवा में लोकायुक्त ने एक महिला सरपंच की करोड़ों की संपत्ति उजागर की है। इस सरपंच का गांव में अलीशान बंगला था। यहां लोकायुक्त को गाड़ी, बंगला, दर्जनों लग्जरी गाड़ियां, कई जमीनों की रजिस्ट्री मिली है। अभी तक 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति लोकायुक्त के हाथों लगी है। हम आपको बता दें, रीवा में पंचायती राज की मुखिया महिला सरपंच करोड़पति निकली है। मामला रीवा जिले के हुजूर तहसील के बैजनाथ गांव का है। लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति उजागर की है। गांव की महिला सरपंच सुधा सिंह ने आलीशान बंगला, करोड़ों के वाहन, सोने चांदी के आभूषण, जमीन, बीमा सहित क्रेशर, जेसीबी, चैन माउंटेन जैसी मशीनें भी उनके घर से पाई गई हैं। लगभग अनुमानित कीमत 11 करोड़ से अधिक की है। सुधा सिंह ने 1 एकड़ के बंगले में स्विमिंग पूल भी बना रखा है। लोकायुक्त अभी पूरे मामले की जांच कर रहा है। अभी तक 2 दर्जन से अधिक जमीनों की रजिस्ट्री, कई वाहन, आलीशान बंगला, क्रेशर, सोना चांदी, नकदी बरामद हुई है। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने न्यायालय से सर्च वारंट लिया, जिसमें अब तक करोड़ों की संपत्ति उजागर हो चुकी है। कार्रवाई अभी जारी है, जिसमें और संपत्ति और भी बढ़ने की संभावना है। लोकायुक्त ने सरपंच के 2 ठिकानों बैजनाथ गांव और शारदापुरम कॉलोनी रीवा में एक साथ छापा मारा। अब तक 2 आवास जिनकी कीमत 2 करोड़ 1.5 करोड़ आंकी गई है, 2 क्रशर मशीन, 1 मिक्सर मशीन, 1 ब्रिक मशीन, 30 बड़े वाहन जिसमें चैन माउंटेन मशीन, जेसीबी, हाईवा लोडर, ट्रैक्टर, इनोवा, स्कॉर्पियो जैसे वाहन शामिल हैं। जीवन बीमा पॉलिसी, 36 भूखंड और नकदी भी मिली है। सबकी अनुमानित कीमत 11 करोड़ से अधिक की बताई गई है।